हाय गाइज, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए वीडियो में। एंड गाइज, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं टी एच 11 पे। यस, मैं दो दिन थोड़ा सा ब्रेक लिया था यार, आपको पता है मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा था। सो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास काफ़ी सारा गोल्ड है। यस, काफ़ी सारा गोल्ड, काफ़ी सारा एलिक्सिर, और उसी के साथ गाइज लास्ट जो सी डब्ल्यू एल बीता है वहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे मेडल्स भी मिले हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो मेरे पास इस वक्त 321 मेडल्स हैं जो कि मैं वॉल्स में इन्वेस्ट करने वाला हूं, और बाकी जो मेरे रिसोर्सेस हैं वो भी हम वॉल में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्ट करने लायक और कुछ हमारे पास बचा है, वो है एयर बम एंड छोटे बम्स। बट अभी हम लोग फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं छोटे बम्स और स्प्रिंग ट्रैप्स, या क्या था पता नहीं यार क्या था, ओके एयर बम और छोटे बम्स। सो एयर बम्स एंड छोटे बम्स को भी इग्नोर करते हैं, और करने क्या वाले हैं हम लोग गाइस, थोड़ा फार्मिंग करेंगे, थोड़े अपग्रेड्स करेंगे और काफ़ी सारा मस्ती मारेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो सब कुछ रेडी है। एक स्टोन स्लैमर मिल जाता तो बहुत सही हो जाता, बट स्टोन स्लैमर कौन देगा मेरे को, मैं खुद से ले लेता हूँ। यस, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कोई दे नहीं रहा है तो खुद से लेना ही अच्छी बात है। ओके, तो अभी सब कुछ रेडी है, ऑल सेट। और जैसे कि आपको पता ही है गाइज, मैं कल लाइव स्ट्रीम कर रहा था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो। यस, कल मैंने इस लाइव स्ट्रीम कर रहा था, और अब से मैंने डिसाइड ये किया है कि हफ्ते में एक लाइव तो मैं कम से कम करूँगा, हो सके अगर हो सके पॉसिबल तो दो, बट एटलीस्ट एक लाइव स्ट्रीम मैं ज़रूर करूँगा। तो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहना, और कोई भी नए आ रहे हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज, क्योंकि मैं क्लैश ऑफ क्लैंस के मज़ेदार वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता हूँ। यस, ये बिल्कुल सही है, बनाता हूँ। सो पता नहीं आज ऐसा क्यों मतलब बोल रहा हूँ मैं, बट फिर भी ओके। तो अभी फिलहाल सब कुछ रेडी है, यहाँ पे चलते हैं एक अटैक पे, क्योंकि मेरे पास गोल्ड और एलिक्सिर तो काफ़ी है, बट ये डार्क एलिक्सिर पता नहीं यार, कुछ अपडेट देना चाहिए सीओसी को कि अगर आपका डार्क एलिक्सिर फुल हो चुका है तो आप ट्रेड कर सकते हो डार्क एलिक्सिर, अपने क्लाइन मेट्स को डोनेट कर सकते हो। मतलब एक कैप रहना चाहिए कि आप जैसे दिन में एक बंदे को 5,000 या 10,000 से ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट कर सकते हो ताकि ये वेस्ट ना हो। और ये जो क्लैन का मकसद है कि एक क्लैन होता है जहाँ पे लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं, इसका जो वैल्यू है वो और बढ़े, ये मेरी सजेशन है सुपर सेल को। अगर करते हैं तो बहुत सही होगा, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे गाइस ये बेस मिला मेरे को, काफ़ी अच्छा लूट है, तो ऑब्वियसली इस बेस पर अटैक करने वाला हूँ। एंड एक चीज़ देख रहा हूँ मैं इस बेस में कि जितने भी विजिट टार्स है सब सेंटर में, सारे सेंटर में आप देख सकते हो। सो हम लोग करेंगे क्या, कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम लोग को जुगाड़ वगैरह लगाना पड़ेगा। बट एक चीज़ मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, सबसे पहले मैं किंग एंड क्वीन आई विल ड्रॉप हियर। ओके, सो किंग एंड क्वीन कुछ अलग प्लान किया है मैंने इस बेस के लिए, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, मतलब आप खुद देख लेंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनियन ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, किंग जा रहा है उस तरफ, क्वीन अलग तरफ जा रही है, विच इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि किंग एंड क्वीन एक साथ रहने से ज़्यादा अच्छा होता, मतलब ज़्यादा अच्छा होता है सच में। ओके, सो क्वीन अभी गोल्ड स्टोरेज निकाल रही है, और ये एयर डिफेंस क्वीन ऑब्वियसली निकाल देगी, और आई डोंट थिंक कि उसके बाद क्या करेगी क्वीन, मेरे को नहीं पता कौन साइड जाएगी क्वीन, राइट लेफ्ट पता नहीं, मतलब मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी भी साइड में जाए, क्योंकि क्वीन को जो करना था क्वीन ने वो कर दिया है। अब सबसे बड़ा जो मैं चीज़ करने वाला हूँ नहले पे दहला, वो ये है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी, सबसे पहले थोड़ा और वेट कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे दो लून ड्रॉप करूँगा, देखा ना क्यों ड्रॉप किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे स्टोन स्लैमर, दोनों इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, और यहाँ पे हम लोग करेंगे एक रेज, फ्रीज करूँगा इस विजिट टार को, और दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम, लिटरली दैट्स ऑसम। ओके, तो यहाँ पे करते हैं क्लोन बलून्स को, ओके इलेक्ट्रो ड्रैगन क्लोन हो गया, विच इज़ नॉट दैट बैड, और बहुत सही। सो पता नहीं इस बंदे ने क्या सोच के, मतलब सेंटर में एक छोटा स्पेस छोड़ दिया था, आई थिंक मेरे लिए छोड़ा होगा कि भाई कोई अटैक करेगा तो अगर करता है तो बैंड बजा दे इस बेस की, और सच में मैंने वही किया है, बेस की बैंड बजा दी है। अब अपना जो मेन आर्मी है उसको ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉप कर रहा हूँ, और बस एक से ही हो जाएगा काम, यहाँ पे ग्रैंड वार्डन, और जल्दी क्लियर के लिए पहले से मिनियंस को ड्रॉप कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल कोई स्पेल मैं ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़े और लून्स, और यहाँ पे एक और लावा हाउंड, और तीन बलून्स हैं, मैं थोड़ा सेव कर रहा हूँ बलून्स को यहाँ पे, एंड एक हेस्ट यहाँ पे, सब कुछ सही चल रहा है, आई डोंट थिंक कि अटैक में कोई प्रॉब्लम होने वाला है, आराम से निकलेगा ये। मेरे ग्रैंड वार्डन को किसने मारा, किसने मारा मेरे ग्रैंड वार्डन को, बस मेरे को नाम पता चल जाए एक बार उसका, उसके बाद देख क्या हाल करता हूँ मैं उसका। ओके, सो यहाँ पे क्वीन थोड़ी कंफ्यूज है कि क्या करे, तो मैं क्वीन को थोड़ा और कंफ्यूज करता हूँ, और सही है, ग्रैंड वार्डन एबिलिटी यहाँ पे पॉप अप करते हैं, एंड उसी के साथ दैट्स इट,
मेरे को नहीं पता इस बेस का जो ओनर है वो क्या सोच के उसने वो स्पेस खाली छोड़ा था वहाँ पे, छोटा सा स्पेस जो कि बहुत महंगा पड़ा उसको आई गेस। ओके, मेरे पास अभी भी एक हेस्ट पेल है जिसका मैं यूज़ कहीं कर लूँगा, कहीं यहाँ पे कर लेते हैं, एंड बाकी जो तीन बलून्स है वो यहाँ पे क्लीनअप के लिए ड्रॉप कर देता हूँ। तो गाइस काफ़ी अच्छा किया हमने इस बेस में, अभी भी 30 सेकंड के ऊपर बचा हुआ है और ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर दिया इस बेस, और थोड़ा यहाँ पे बचे हैं कुछ ट्रैश और गोल्ड स्टोरेजेस बचे, गोल्ड स्टोरेज इलेक्ट्रिक स्टोरेज, तो काफ़ी अच्छा अटैक किया हमने, मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि आपको ये अटैक कैसा लगा, और मैंने लास्ट वीडियो में मतलब जो भी मैंने टाउन हॉल 11 का लास्ट वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि बहुत अच्छी बहुत ओपी स्ट्रैटेजी है ये वाली, आप लोग ज़रूर यूज़ करें। मेरे को पता भी आप लोग कर भी रहे हो क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे को मिले थे कि भाई बहुत सही स्ट्रैटेजी और बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग इस स्ट्रैटेजी के साथ, जो कि मेरे को सुन के काफ़ी अच्छा लगा। और गाइस एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक डिसलाइक किया करो ताकि मेरे को पता चले कि वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं या नहीं है, और ओपिनियंस दिया करो कमेंट सेक्शन में, तो ज़रूर देना, ठीक है। तो ये एक अटैक किया हमने, अब कुछ वॉल्स अपग्रेड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे गोल्ड से, ठीक है। तो आई गेस मैं दो वॉल अपग्रेड कर पाऊंगा, तीसरा नहीं कर पाऊंगा, यस मेरे को पता था। ओके कोई बात नहीं, एलिक्सिर से दो करेंगे। ओके सो वी आर डन, दो गोल्ड से दो एलिक्सिर से, अब यहाँ पे क्या है मेरे को देखना है। ओके थोड़ा सा गोल्ड एलिक्सिर यहाँ पे भी है, तो एक और कर लेंगे हम लोग गोल्ड से, विच इज़ ऑसम, ठीक है नाइस। अब हम लोग नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, एक अटैक हो तो मैं ऑब्वियसली और करने ही वाला हूँ, बट हम लोग करेंगे अब ये कि हम लोग जो अपने मेडल्स हैं उनको कैश करेंगे। ओके सो ये गए मेरे मेडल्स, ये मैंने कर लिया, 20 मैंने परचेस किया। ओके नाइस, सो यहाँ पे आप लोग काउंट कर रहे हो, मेरे को पता है मेरे को करने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग काउंट कर रहे हो, आप लोग भी बाद में मेरे को कमेंट्स में बताना भी आप लोगों को कि कितने वॉल्स मैंने किए इस वीडियो में, क्योंकि ये ड्रिल होता है, ठीक है, ये ड्रिल होता है, तो आपको कंप्लीट करना है ये। तो फिर से मैं मेडल्स परचेस कर रहा हूँ यहाँ पे, मेडल्स नहीं परचेस कर रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, मैं यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ वॉल्ट रिंग्स विथ यूजिंग मेडल्स। ओके तो यहाँ पे मैंने कर लिया, यहाँ पे एक और वॉल किया मैंने, मेरे को नहीं पता मैं कितना कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बताएंगे तो मेरे को कोई गिनने की जरूरत तो है नहीं। ओके सो यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और, मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैं शायद से, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को इतना लगता है कि मैं कम से कम मैं 15 से 20 के बीच में तो करूँगा ही करूँगा, उससे कम तो करूँगा ही नहीं। सो यहाँ पे और वॉल्स कर रहे हैं हम लोग, धड़ाधड़ कर रहे हैं, ये मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है वॉल रिंग्स की, और ये CWL का ये CWL महीने में दो बार होता तो और मज़ा आता, तीन बार होने से भी कोई दुख नहीं था मेरे को। किसको होता भाई, मेरे को क्या, किसी को दुख नहीं होता। ओके सो 21 मेडल्स, ओके वी आर डन, बस 21 मेडल बचे हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही मैंने कर दिया फ्लो में। कोई बात नहीं, यहाँ पे 10% रिसर्च बूस्ट चुकी किसी काम का नहीं है, और चलो कोई बात नहीं। तो गाइज आर्मी थोड़ी सी अभी ट्रेन नहीं है, यस थोड़ा ओके हीरोज़ को टाइम लगेगा, मैं एक काम करता हूँ बूस्ट लगा देता हूँ। सो यहाँ पे हम 5 जंप बूस्ट लगाते हैं किंग को, क्वीन को, एंड ऑब्वियसली ग्रैंड वार्डन को। कहाँ पे है ग्रैंड वार्डन, कहाँ पे भाई? ओके मैं दिख नहीं रहा भाई, कहाँ पे, वेर आर यू? ओके सो यहाँ पे, तो इसको भी हमने लगा दिया यहाँ पे, और उसी के साथ सीजी भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। और गाइस जैसे मेरी आर्मी रेडी होती है मैं वापस आता हूँ, अटैक करते हैं और बस वीडियो को रैप अप करेंगे उसके बाद, तो आता हूँ मैं अभी। ओके सो भाई लोग ये पार्ट जो है वो काफ़ी लेट शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बीच में इंटरनेट चला गया था, मोबाइल डेटा भी काम नहीं कर रहा था। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा सा बेस सर्च कर लिया मैंने, काफ़ी सही तगड़ा लूट है यहाँ पे, और कुछ प्लान बना लिया है मैंने, तो वो प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ करना है यहाँ से अटैक शुरू करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल है, किंग एंड क्वीन को ड्रॉप करेंगे, किंग यहाँ क्वीन यहाँ, एंड थोड़ा फनल बनाएंगे बेसिकली। मैं चाहता हूँ अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स कुछ बलून्स और स्टोन स्लैमर को अंदर डालना। यहाँ पे एक एयर डिफेंस है, मल्टीपल इन्फर्नो टार्स, कुछ एक्सपोज हैं, ईगल आर्टिलरी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे विथ हेल्प ऑफ लून्स एंड इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, और स्टोन स्लैमर भी हेल्प करेगा ऑब्वियसली, एंड उसी के साथ क्वीन काफ़ी अच्छा फनल कर रही है। अब यहाँ पे 2-3 बलून ताकि कोई माइन वगैरह ना लग जाए, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को ड्रॉप कर रहे हैं। सो गाइज आई गेस कि सब कुछ सही चलेगा। एक रेज यहाँ पे अर्ली ड्रॉप कर रहा हूँ, फाइन। एक चीज़ ये है कि थोड़ा दूर चला गया है स्टोन स्लैमर, नहीं वापस आ रहा है, विच इज़ ऑसम। तो यहाँ पे करते हैं एक फ्रीज, नाइस, एंड जैसे स्टोन स्लैमर से पॉप अप होंगे बलून्स वैसे यहाँ पे क्लोन करेंगे हम लोग। ऑसम गाइस, बहुत सही चल रहा है अभी तक अटैक हमारा, और यहाँ पे फ्रीज करेंगे इस मल्टीपल इन्फर्नो टार को, एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑसम ऑसम। ओके यहाँ पे क्वीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ओ मैन। ओके सो स्ट्रेटजी तो ये थी कि मल्टी इन्फर्नो निकल जाएगा, बट निकल नहीं रहा है, कोई बात नहीं। ओके सो अब अपना मेन पोर्शन जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे लून्स एक ओके फाइन, ग्रैंड वार्डन एंड थिंग सब कुछ सही जाएगा। ओके सो यहाँ पे एक हेस्ट, अर्ली हेस्ट, क्लीन अप ट्रूप्स भी पहले से ड्रॉप करना है, फाइन। यहाँ पे एक और हेस्ट,
वार्डन एबिलिटी, भाई वार्डन एबिलिटी बहुत सही पड़ा है मेरे को लग रहा है। नाइस 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 नाइस, ओके यहाँ आई तेरी डैम। ओके हेस्ट नहीं ड्रॉप करना था वहाँ पे, मेरे को बलून्स ड्रॉप करने थे बट अनफॉर्चुनेटली हेस्ट मैंने टैप करके रखा था तो हेस्ट ही ड्रॉप हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलतियाँ तो होती रहती हैं बट इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा ये जो मेरे हेस्ट की गलती है, क्योंकि बेस ऑलरेडी बहुत ही मतलब थ्रैश कर चुके हम लोग बेस को और बहुत ही ईजी 3-स्टार निकाला गाइज हमने। ईजी 3-स्टार जितना देखने से लगता है उतना ज़्यादा ये जो आर्मी है वो मतलब सबसे बड़ी बात है कि आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि किसी भी बेस को टिकने नहीं देता है। बहुत सही है गाइज, तो मैंने पता नहीं कितनी बार बोलता हूँ मैं ये चीज़ कि प्लीज़ इस आर्मी को ट्राई दो, और जो भी टाउन 11 वाले बंदे मेरे से अक्सर स्ट्रेटजीज पूछते हो तो ये वाली स्ट्रेटजी मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप लोगों को। किंग एंड क्वीन से थोड़ा फनल बनाओ, स्टोन स्लैमर और 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन से बहुत सही तगड़ी वाली मतलब वैल्यू निकालो, और उसके बाद का पोर्शन तो भाई लावा और लून्स कर देंगे, उसी के साथ ग्रैंड वार्डन है तो बहुत ईजी है एकदम मक्खन की तरह। बट अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता था कि एक दो अपग्रेड्स वॉल अपग्रेड और कर सकूं मैं, बट नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल ही लूट नहीं है मेरे पास। ओके थोड़ा सा है बट कलेक्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा क्योंकि नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पे एक जिम बॉक्स था मेरे पास, उसको कलेक्ट करते हैं। एंड दैट्स इट गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। होप श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा जो प्रोग्रेस चल रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में बताइएगा। कितने वॉल्स किए मैंने वो भी कमेंट्स में बताइएगा, और आने वाले टाइम पे कुछ सरप्राइजेस है आप लोगों के लिए। जैसे मैंने बताया कल के स्ट्रीम में मैं कि एक फ़ोन गिव अवे करने वाला हूँ, उसके बारे में मैं आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ बता दूंगा क्या होगा कैसे होगा। और जो गोल्ड पास के गिव अवेज है वो इस संडे को हो जाएंगे, तो भाई पूरा एकदम धमाकेदार वीकेंड होने वाला है। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें। एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।